क्या आपको पता है कि जो आप डॉल्फिन समुद्र में देखते हैं वो इतने इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है? इस फैक्ट की वजह से। जैसे आप देख सकते हैं डॉल्फिन एंड ह्यूमन के ब्रेन में कितना फर्क है। द ब्रेन ऑफ द बॉटल नोज डॉल्फिन इज लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन अ ह्यूमन ब्रेन। तो इस फैक्ट को सुनकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सभी मछलियों के ऐसे ही ब्रेन होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप शार्क का ब्रेन देखना चाहोगे? तो ये जो आप जो लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो वो है ब्रेन ऑफ शार्क एंड जो राइट में है वो ब्रेन ऑफ डॉल्फिन। इसलिए शार्क बहुत खूंखार होते हैं, उनमें दिमाग ही नहीं है भाई, कभी मार देंगे तुमको। फैक्ट नंबर टू, क्या आपने चींटी को कभी देखा है? आप बोल रहे हो यार रोज देखते हैं यार, मार भी देते हैं हम लोग, मसल भी देते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ क्या आपने एकदम सामने से मॉडिफाइड इमेज देखा है उसका कभी? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चींटियाँ ऐसी दिखती हैं, देख सकते हो भाई, खा जाएगी लग रहा है पूरा। और तुम लोग कहाँ यार रोज मसल देते हो। फैक्ट नंबर थ्री, इस पिक्चर को ध्यान से देखो एंड बताओ क्या ये दोनों सेम कलर्स है क्या? सोचो सोचो सोच लिया। तो आपने बोला कि यार दोनों कलर्स तो एकदम अलग हैं, एक ब्लैक है एंड एक व्हाइट है। बट यू आर रॉन्ग। आप अपना उंगली लो एंड हॉरिजॉन्टली उन दोनों के बाउंड्री के बीच में रखो एंड अब देखो क्या दिखा, दोनों के दोनों सेम कलर हैं। तो ये था आपके आंखों का एक इल्यूजन। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपने सोलर सिस्टम के वीनस प्लैनेट को कभी सैटेलाइट की इमेज से देखा है? कैसे दिखता है वो? ऐसा दिखता है वीनस जब उसको सैटेलाइट से खींचा जाता है तो। फैक्ट नंबर फाइव, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, क्या आपको पत्तों के बीच में कुछ दिख रहा है? फिर पत्ता ही दिख रहा है, असल में आपको एक कीड़ा दिख रहा होगा जिसका नाम है जाइंट मलेशियन लीफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पत्तों के बीच में छुप जाता है ताकि कोई इसे मार ना पाए, और ये उसकी पिक खींची गई है जब वो छुप रहा था। फैक्ट नंबर सिक्स, आपने आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा जो चारों दिशाओं से समुद्र से घिरा रहता है, लेकिन फैक्ट ये नहीं है। क्या आपने सुना है कि कभी किसी बंदे ने पूरे आइलैंड को खरीद लिया हो? ये जो आप पिक देख रहे हो ये है नीहा आइलैंड, जिसको रॉबिन्सन फैमिली ओन करती है 1864 से ही। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं नीहा इज करेंटली ओन्ड बाय रॉबिन्सन फैमिली एंड इसको $10,000 में खरीदा गया था 1864 में। सो देन आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन आप वीडियो के लिए एक लाइक जरूर ड्रॉप कर सकते हैं एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज आपको रोज ऐसी फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो मिलेगी। एंड सब्सक्राइब करके आप साइड में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।